हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके दोस्त मन गुप्ता अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हैप्पी नवरात्रि। दोस्तों, आज मैं आपके लिए नवरात्रि की थीम पर ही एक बहुत ही बढ़िया सा गेम लेकर आई। दोस्तों, इस गेम को खेलने के लिए जो है आपको एक जो है इस तरह की लिस्ट तैयार करनी होगी, जिसमें कि हम माता की पूजा में जो चीजें शामिल करते हैं, जिन चीजों का उपयोग करते हैं, उनकी मैंने एक लिस्ट तैयार कर ली है। और उनमें मैंने जो है 15 नाम लिखे हैं। सबसे पहले चुनरी, फिर रोली, चावल, माला, नारियल, कपूर, कलश, गंगा जल, सुपारी, ज्वारे, दीपक, प्रसाद, मूली, धूप बत्ती और आम के पत्ते। इस तरह से जो है मैंने 15 माता की पूजा में शामिल होने वाली चीजों के नाम लिखे हैं। अब दोस्तों, करना क्या होगा कि सभी मेंबर्स को बुलाना है। ये हमारा एक ग्रुप गेम है, इसे सभी लोग एक साथ खेलेंगे। अब दोस्तों, सभी को जो है ये लिस्ट दिखा देनी है कि आप सब लोग जो है इस लिस्ट को देख लीजिए, और फिर सबको जो है एक एक शीट और एक एक पेन जो है सबको दे देने हैं, और उन्हें कहना है कि आपको जो है इस लिस्ट में से कोई से भी 7 पूजा की सामग्री लिखनी है। इनके अंदर, इन लिस्ट के अंदर जो है आपको इनमें पूजा की सामग्री को लिखना है। इस तरह से जो है आप उन्हें कहेंगे। अब मान लीजिए मैं आपको जो है ये 3 लोगों का गेम खेलकर बताती हूँ कि जैसे मान लीजिए सब लोगों ने जो है इस तरह से अपने अपने शीट पर सामग्री लिख ली है। 3 लोगों ने, ये 3 लोगों का मैं बता रही हूँ आपको, 3 लोगों ने जो है अपनी अपनी शीट पर सामग्री लिख ली है। अब दोस्तों, हमें जो है इन्हीं पूजा की सामग्री की कुछ चिट्स तैयार करनी है इस तरह से, और उन्हें जो है आपको शफल करके रखनी है। मैं आपको दिखाने के लिए जो है इन्हें खुला रख रही हूँ, आप लोगों को इन्हें फोल्ड करना है। फिर जो है क्या होगा, इन सबको बहुत अच्छे से शफल कर देना है। फिर होस्ट जो है एक एक पर्ची को उठाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने पहला नंबर उठाया, उसमें आया कलश, तो अब कलश जिस जिसके पास होगा वो उसे कट कर लेगा। जैसे कलश इसके पास भी है, इसके पास भी है, और इसने जो है कलश नहीं लिखा है, तो ये जो है इस कलश कट कर लिया इन लोगों ने। अब जो है होस्ट दूसरी पर्ची उठाएगा, उस पर आया जैसे कपूर, तो कपूर जो है इस मेंबर ने भी लिखा है और इस मेंबर ने भी लिखा है, और इस मेंबर ने कपूर नहीं लिखा है। अब होस्ट थर्ड पर्ची उठाएगा, नेक्स्ट पर्ची, अब उसमें आया प्रसाद, तो अब प्रसाद किस किस ने लिखा है, इसने लिखा है, इसने भी लिखा है और इसने नहीं लिखा है। फिर होस्ट ने नेक्स्ट पर्ची उठाई, उसे लिखा आम के पत्ते, तो आम के पत्ते किसी ने भी नहीं लिखे हैं। फिर है धूप बत्ती, धूप बत्ती भी जो है किसी भी मेंबर ने नहीं लिखी है। फिर आता है रोली, रोली इनने लिखी है। तो दोस्तों, इस तरह से जो है वो कट करते चले जाएंगे, और ये जो है कोई टाइमिंग का गेम नहीं, जिसका सबसे पहले सारी सामग्री कट हो जाएगी वही इस गेम का विनर माना जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से जो है होस्ट एक एक जो है नाम बोलता चला जाएगा, और जिस भी मेंबर के लिखे हुए पूजन की सामग्री जो है जितने 7 लिखी है, तो 7 कट जाएंगी सबसे पहले, वही इस गेम का विनर माना जाएगा। तो दोस्तों, इस गेम को खेलिए, खेलकर आपको बहुत मजा आने वाला है। और अगर आपको मेरा ये गेम पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए। और दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही दोस्तों, मैं अपने जितने भी नवरात्रा के गेम है उन सबकी लिस्ट भी जो है आपको डाल दूंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, गेम को खेलिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।